हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भारत कोर बाइकर्स। आज ये जर्नी आप करेंगे मेरे साथ क्योंकि परवेज की तबीयत खराब है। ये हमारे होटल से बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन में सनराइज का नजारा है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकले हैं अपने होटल से मनाली से रोहतांग पास की तरफ और हम लौटते हुए कसौल जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में सो दैट हम अपने पूरे सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकें। हमने सुबह 4 बजे जर्नी शुरू की सो दैट हम ट्रैफिक जैम में ना फंसे और ये बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय कर सकें। एक तरफ ये बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ और दूसरी तरफ ये माउंटेन, वहाँ क्या रास्ता है, मज़ा आ रहा है। ये खूबसूरत वैली व्यू वाला रास्ता कुछ दूर तक ऐसा ही चलने वाला है। हम पहले सोलांग वैली इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ से हम राइट लेंगे और चामुंडा हाइट्स की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से हाई एडवेंचर जिप लाइन होते हुए गुलाबा व्यू पॉइंट की तरफ से आगे बढ़ेंगे। इस रास्ते में दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़ों का और पहाड़ों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। ये रास्ता हमने देखा था कल भी जब हम गए थे अटल टनल, बट हमारा कैमरा थोड़ा हिल गया था इसलिए हम ये वीडियो को ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, जो हम इस वीडियो में श्योरली कवर करेंगे। ये सोलांग वैली अपने बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही फेमस है, जैसे कि जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स। और यहाँ पे स्टे करने के लिए भी छोटे छोटे रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, बट हमने फिर भी चूज़ किया मनाली में स्टे करने का। ये जर्नी मैंने शुरू की है अपने हस्बैंड के साथ अपनी प्यारी सी WRV पे। इसमें एक छोटा सा सनरूफ है, इससे बाहर निकलकर मैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को भी इंजॉय कर पा रही हूँ। और ये जो खूबसूरत से ख़तरनाक से टर्न्स हैं, इस पर आपका दिल एक मिनट के लिए रुक जाता है कि आगे क्या होगा। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, हमने दिल्ली से बहुत सारे विंटर वेयर्स और बूट्स वगैरह पैक करके तो लाए हैं, बट नीचे हमने कोई भी कपड़ा शू बाइट से बचने के लिए जो रेंट पे मिलता है और बूट्स मिलते हैं उसको नहीं लिया है। थोड़े पैसे बचा ले सोचा था हमने, बट देखते हैं हमारा ऊपर चलकर हमारा क्या हाल होता है। और ये हमने गुलाबा व्यू पॉइंट के लिए राइट टर्न ले लिया है सोलांग वैली इंटरसेक्शन से और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें उम्मीद है कि हमें गुलाबा स्नो पॉइंट, गुलाबा वाटरफॉल, रहाना वाटरफॉल और केसा सिंह वाटरफॉल देखने का मज़ा आने वाला है। रुक करके हम कुछ तस्वीरें भी खींचने के प्लान में हैं। देखिए आगे क्या होता है, हम क्या कर पाते हैं। और ये क्या आगे हम देख रहे हैं कि बहुत ही शार्प सा कर्व है और मुझे तो लग रहा है हम टकरा ही जाएंगे, पर किसी तरह से परवेज इसको बहुत ही स्मूथली टर्न करते हुए हमें ऊपर की तरफ निकाल दिए हैं और ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और सामने खूबसूरत माउंटेन्स का नज़ारा है और ये बहुत ही मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे ये सनराइज़ की वजह से हल्की सी सूरज की किरणें भी हमारे गाड़ी में आ रही हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि दिल्ली की गर्मी से निकल कर हमें स्नो में खेलने का मौका मिलने वाला है आज, और हम स्नो को पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। बट अभी शायद थोड़ी देर हमें और वेट करना पड़ेगा, तब तक हम इस रास्ते का ही मज़ा ले लें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहाड़ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट और घर टाइप बना रखे हैं लोगों ने, पता नहीं ये लैंडस्लाइड में यहाँ पे लोग कैसे स्टे करते होंगे। हम आगे जाते हुए अभी हमें थोड़ी देर में ये गुलाबा व्यू पॉइंट आने वाला है जो कि काफ़ी फेमस है फोटोग्राफी के लिए। लेट्स सी हम वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ शायद खिंचवा पाए या फिर हमें रोहतांग पास पहुँचने की जल्दी भी है। आगे ट्रैफिक गुलाबा चेक पोस्ट पर ट्रैफिक मिलने का डर है, तो हम जल्दी जल्दी चाहते हैं गुलाबा चेक पोस्ट क्रॉस कर लेना। गुलाबा चेक पोस्ट पे रोहतांग पास जाने के लिए व्हीकल पास चेक की जाती है जिसको कि हमने पहले से ही ऑनलाइन ले रखा है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स को पास इशू करती है डेली, तो ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान करने से पहले हम ये पास को ले लें गवर्नमेंट से। वाओ गाइस, ये गुलाबा व्यू पॉइंट तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें दोनों तरफ ये ब्यूटीफुल से पेड़ दिख रहे हैं और दोनों तरफ पेड़ों के बीच से हमारी गाड़ी निकलती हुई जा रही है, इसे मज़ा आ रहा है। और इसके आगे जाकर के एक जिप लाइन भी है, एडवेंचर जिप लाइन गुलाबा, जिसमें कि हम बहुत सारे एडवेंचर के यहाँ भी ऑप्शंस हैं, जिसमें जिप लाइन में दोनों तरफ पहाड़ के बीच की ये बांध करके जिप लाइन और हमें मूव करने का ऑप्शन होता है। देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे इसको। ड्राइव तो हमें रोज़ ही करना होता है दिल्ली में अपने ऑफिस जाने के लिए, बट ये पहाड़ों के बीच ड्राइव का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। जहाँ ये जो थ्रिल है कि दोनों तरफ ये बड़े बड़े से पहाड़ दिख रहे होते और आपको बस एक इंच से बचा करके गाड़ी को चलाना होता है, जो कर्व्स, जो शार्प कर्व्स मिल रहे होते, इसका थ्रिल ही कुछ और है।
जब तक पहाड़ों पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ना हो, इन रस्तों पे खुद से ड्राइविंग करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मुझे तो खैर इतनी अच्छी ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बट मेरे साथ है परवेज़ जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर है। हमने पहले भी ऊटी वगैरह पे राइड कर ड्राइव कर रखा है, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बट ये क्या, अब तो रास्ता और भी नैरो हो गया है। ये पतली सी सिंगल लेन है रोहतांग के लिए, उफ इसमें गाड़ी कैसे चलेगी, मैं तो नहीं चला पाती। बट ये देखो आगे एक बस भी जा रही है, तो शायद हम भी इस रास्ते पे निकल जाएंगे आगे। ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ से ये हरे हरे पेड़ और उसके बीच में ड्राइविंग, क्या मज़ेदार रास्ता है यार, इतना मज़ा आ रहा है, इतना एक्साइटिंग है ये रास्ता। वाह, ये तो रास्ता का स्नो देखने से पहले ये पेड़ों के बीच में चलने का मौका मिलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और ये जो रास्ता है दोनों तरफ से पेड़ों से खूबसूरत सा रास्ता जिसमें हम जा रहे हैं, इसका नाम है स्वर्णिम वाटिका। किसी ने बहुत ही सही नाम रखा है, ये है ही स्वर्णिम। ये हरे हरे पेड़ और ठंडी ठंडी चलती हुई हवाएं, खुला आसमान, ये जो एफर्ट है ड्राइविंग का ऑन दिस माउंटेन, ये सब कुछ को ख़त्म कर देती है। इतना खूबसूरत सुहाना सा मौसम और सफ़र, उफ क्या मज़ेदार जर्नी है, बिल्कुल बनता है यहाँ आना तो एकदम से बनता है। और जैसा कि मैंने बताया था, चार वाटरफॉल है रास्ते में, अब ये एक एक करके चारों वाटरफॉल आएंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे थे कि लंबे लंबे पेड़ थे, अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ पेड़ लंबे लंबे नहीं हैं, हमें दोनों तरफ देखने को मिल रहे हैं पहाड़। और ये पहाड़ का जो व्यू है, और एक साइड अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल खाई है, एक तरफ ही हमें दिख रहा है पहाड़, तो मज़ा आ रहा है। हमने मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए जर्नी शुरू करने से पहले ही अपना पेट्रोल टैंक पूरी तरह फुल करवा लिया था, क्योंकि पहाड़ पे तो कोई पेट्रोल पंप मिलने नहीं वाला। पर हमें ये दिख रहा है कि रास्ते में कुछ पेट्रोल टैंकर ज़रूर है जो कि पहाड़ के उस साइड पेट्रोल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो लोग सुबह 9 बजे के आसपास निकलते हैं रोहतांग पास की जर्नी के लिए आराम से नाश्ता वाश्ता करके, बट हम तो सुबह सुबह 4 बजे ही भूखे निकल गए, एक कप चाय पी करके सोचा था रास्ते में कुछ खा लेंगे, बट 4 बजे तो सारे शॉप्स भी बंद थी। अब देखते हैं ऊपर जाकर कुछ मिलता है खाने को या नहीं। हमने तो ये सुबह सुबह निकलने का जोखिम उठा लिया कि हम जल्दी से ख़त्म करें रोहतांग पास की जर्नी और शाम को जाए कसौल। कसौल तो आप लोग जानते ही हैं कि चिलिंग करने के लिए और रेव पार्टीज़ के लिए और मस्ती के लिए बहुत ही फेमस है। देखते हैं हम आज करके एंजॉय कर पाए। बहुत देर से गाड़ी चलती ही जा रही है, हमने कहीं भी रुक करके एक फ़ोटो भी क्लिक नहीं की है। परवेज पता नहीं नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं कसौल पहुंचने की जल्दी में, और ये लग रहा है कि कोई बहुत ही अच्छा सा व्यू पॉइंट आने वाला है। लोग खड़े हैं और सामने कुछ पोज कर रहे हैं, हम भी यहाँ रुक करके कुछ तस्वीरें खिंचवा लेते हैं और इस कैप्चर करके इन मोमेंट्स को अपने पास हमेशा के लिए रख लेते हैं। हमने ये बहुत ही साथ में कुछ अच्छे से फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं यहाँ पे, जिसमें कि पीछे का भी बहुत नज़ारा खूबसूरत सा है। और अब धीरे धीरे रोड्स की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, रोड्स और नैरो होते जा रहे हैं, और आप जैसे देखें कहीं कहीं से बीच में रोड नहीं है, तो हमें बहुत ही ध्यान से इस ड्राइव को करना पड़ेगा कि हमें सेफली हम ऊपर तक जा। जितना ही एडवेंचरस, थ्रिलिंग और एक्साइटिंग ये रास्ता है, उतना ही ये डेंजरस है। एक ज़रा सी भी गलती लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, तो अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो अपनी ड्राइविंग पे, तभी आप भी यहाँ पर ड्राइव करने आए, वरना यहाँ पर नीचे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप ये माउंटेंस का मज़ा ले सकते हैं। ये यहाँ पे हम देखें ऊपर की तरफ तो क्लाउड्स और माउंटेन ऐसा लग रहा है आपस में मर्ज हो रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सीनरी है ये। और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि रोड और भी मुश्किल होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक कार की चलने की ही भर की स्पेस है। बहुत ही हमें ध्यान रख के चलना पड़ रहा है, इसके बहुत ही शार्प कर्व्स आ रहे हैं, शार्प टर्न्स आ रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इस पर ड्राइव करना पड़ रहा है। ये रोड्स का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा है कि इसमें हमें आगे की प्रॉपर विजिबिलिटी भी नहीं है कि आगे का रास्ता कहाँ से टर्न कर रहा है भी या नहीं भी। देखिए आप यहाँ लेफ्ट में कि अगर हम सीधा ही चला देते तो नीचे गिर जाते, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि हम कैसे ऊपर तक पहुँचेंगे। होता जा रहा है, ये रास्ते बिल्कुल पतले से हैं, आगे भी दो गाड़ियां लगी हुई हैं, पता नहीं हमारी गाड़ी यहाँ से कैसे पास होगी। और ये देखिए निकल गया, चलो थैंक गॉड ये गाड़ी तो निकल गई आगे। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को और कितना डिफ़िकल्टी हमें आगे और भी मिलती है।
पर ये रास्ते में दोनों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ दिख रहे हैं हमारे को, और सूरज की किरणें पड़ने से पहाड़ और भी खूबसूरत लग रहे हैं। और अब क्या ये एक राइट साइड पे एक वाटरफॉल भी दिख रहा है जिसमें कि जिसकी फ़ोटो खींचने का बड़ा मन है, बट ये तो परवेज ने यहाँ पे शायद रोका। अरे हाँ हाँ, ये बहुत सारे और भी एक्साइटेड टूरिस्ट हैं यहाँ पे, तो परवेज ने यहाँ पे भी रोक करके फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो गए। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए, उसके बाद हम आगे बढ़े तो और भी ये डेंजरस हो गया है रास्ता। एक तरफ से तो बिल्कुल ही खाई है कि एक गलती हुई तो गाड़ी बिल्कुल ही नीचे टॉप लोके नीचे पहुँच जाएगी। ये अगर लैंडस्लाइड हो गया अभी तो फिर क्या होगा, चलो यहाँ से बच्चे और ऊपर निकले। बट अब क्या, अब तो हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ पा रहा, हम किसी से कॉन्टैक्ट करके हेल्प भी नहीं मांग सकते अगर कोई भी इशू आ गया तो। थैंकफुली हमने गाड़ी में अपने सारे टूल बॉक्स वगैरह रख रखे हैं, तो कोई होपफुली दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट हमारे फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं है, तो हम अब किसी से भी कनेक्टेड नहीं हैं। ये अभी हम जो देख रहे हैं ऊपर में हल्का हल्का पहाड़ पे वाइट वाइट लाइन दिख रही है, क्या ये ऊपर जो स्नो है वो दिख रहा है हमें? हाँ, शायद ये स्नो दिखना अब शुरू हो गया है। वो जल्दी ही हम स्नो के पास पहुँच जाएंगे और फिर हमारी रियल मस्ती शुरू होगी। तब तक के लिए हम इस रास्ते को और इन्जॉय कर लेते हैं। ये रास्ता जिसको आप दूर से देख पा रहे हैं कि बिल्कुल से एक पतले से नैरो सी स्ट्रिप दिख रही है, ज़्यादा कुछ दिख रहा नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, कोई विजिबिलिटी है, कोई टर्न है, कोई कर्व है, कुछ नहीं पता चल पा रहा, बस एक स्ट्रिप है जो कि रोहतांग पास से जोड़ती है। थैंक्स परवेज फॉर द ब्यूटिफुल ड्राइव थ्रू दीज माउंटेन्स, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पहाड़ों के बीच हमें और भी कुछ दूर ज़रूर ड्राइव करना होगा ऊपर पहुंचने के लिए, फिर शायद जाकर के हमें कोई पॉइंट मिले जहां पर कि हम कुछ रेस्ट ले सके, कुछ खा पी सके। यहां तो गाड़ी रोकना भी सेफ नहीं है क्योंकि पतली सी स्ट्रिप है, अगर आगे से कोई गाड़ी आएगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पर अभी देख रहे हैं हम लोग कि काफ़ी स्नो काफ़ी क्लियरली अब दिखना शुरू हो गया है। ये जो नीचे से पतली पतली स्ट्रिप्स दिख रही थी अब वो काफ़ी वाइड हो गई है, मतलब कि हाँ अब हमें स्नो दिखने की पूरी श्योरिटी हो गई है कि ऊपर पहुंचने के बाद हमें मस्त स्नो मिलने वाला है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रैवलर बस भी हमें ओवरटेक करके आगे की तरफ निकली है। वैसे इन रस्तों पे ओवरटेक वगैरह करना नहीं चाहिए, पर फिर भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ऐसे काम कर लेते हैं जिसके जो कि ख़तरनाक हो सकती है, बट कोई नहीं। और ये क्या, एक तो हमें बिल्कुल पिन हेड सा कर्व मिला है, टर्न मिला है जिसपे कि हमें शार्प पिन में हमें ऊपर की तरफ मोड़ना है गाड़ी को। ओहो, तो बहुत ही डरावना होता जा रहा है। ये तो रोड भी नहीं लग रही, ये तो कुछ रोड जो है ये काफ़ी ब्रोकन सी है। शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, कुछ लैंडस्लाइड लगाया शायद हुई होगी पास्ट में, इसीलिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हमें दिख रहे हैं जो कि रोड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ वाह, कितना ब्यूटीफुल है। तो मैंने इस अब निकल गई हूँ अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर और इस हाइट को इंजॉय कर रही हूँ और ऊपर से इस व्यू को कैप्चर कर रही हूँ। वाह, क्या मस्त मस्त स्नो दिखने को मिल रही है और क्लाउड्स ऐसा लग रहा है बिल्कुल पहाड़ों के साथ मर्ज हो रहे हैं। क्या नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी देख के शायद मज़ा आ रहा हो देख के इस वीडियो को। यहाँ ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। नीचे की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैबिटेशन से वो हमें ऊपर से देखने को मिल रही हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और इस रस्तों में, इस ख़तरनाक रस्तों में काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं। पता नहीं स्नो कब आएगा, हम स्नो के लिए इतनी देर से वेट कर रहे हैं। हमें स्नो को लेकर के अपने हाथों में और फिर वो मस्ती करनी शुरू करनी है, स्नो गेम्स खेलने हैं हमें। उफ़, स्नो का हम कितनी देर वेट करें। देखिए हम इस जर्नी में मेरे साथ जो ड्राइव कर रहे हैं, ये परवेज भी आपको दिख रहे हैं, ये ड्राइव करके हमें आगे तक ले जा रहे हैं। बहुत ही सीरियसली और बहुत ही कॉशियसली ये ड्राइव कर रहे हैं कि गलती से भी हम कोई डेंजरस सिचुएशन में ना फंसे, क्योंकि अगर हम गलती से भी गिर गए यहाँ से तो बचने के ज़ीरो चांसेस है। ओ वाह, अब हमें दिख रहा है रोहतांग पास, हम एंटर करने के टाइम पर हमें दिख रहा है कि आगे कुछ बर्फ सा, और ये वाह, ये पहाड़ का ये वाइट वाइट सा, ओ ये अलग से ही, ये बिल्कुल रानी नाला के पास लेफ्ट पे ये बर्फ में लोग खेलते हुए हमें दिखना शुरू हो चुके हैं। ये जो पूरी स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप स्नो से कवर्ड है और यहाँ पे काफ़ी लोग रुक करके मस्ती कर रहे हैं, पर ये स्ट्रिप उतनी साफ़ नहीं है। यहाँ पे लोगों ने खेल खेल कर नीचे है ना तो गंदी भी हो गई है, तो शायद हम यहाँ पे ना रुकें, यहाँ पर हम बस स्नो वाले लेन से ड्राइव करने का मज़ा ले लें और फिर हम आगे जा करके बाद में जहाँ प्रॉपर स्नो मिले वहाँ रुकेंगे।
तब तक हम लोग इसको सिर्फ कार से अपनी इस व्यू को एंजॉय कर लेते हैं। बट आप देखिए दोनों तरफ टूरिस्ट काफ़ी एक्साइटेड है और इस रानी नाला के पास बाकी लोगों ने गाड़ी रोक करके बहुत फोटो खिंचा रखी है। बट फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और हम जब ऊपर पहुँचेंगे तो ही अपनी गाड़ी को रोकेंगे। हम एकदम देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है वो पहाड़ प्रॉपरली स्नो से कवर्ड है। ये रोहतांग जो कि बेहद ही खूबसूरत है, इसका नाम इससे बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है। रोहतांग जिसका लोकल लैंग्वेज में मीनिंग होता है पाइल ऑफ कॉर्पसेस, मतलब डेड बॉडीज के ढेर, और जगह उतने ही उल्टा बहुत ही खूबसूरत। शायद पास्ट में यहाँ पर लैंडस्लाइड्स में काफ़ी डेथ हुई होंगी, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा रखा गया है। इस जगह का नाम इतना ख़तरनाक है कि सोच कर ही हमारे को एक चिलिंग सा इफ़ेक्ट आता है कि ये अगला नंबर हमारा तो नहीं। पर इस ब्यूटीफुल से माउंटेन ड्राइव के लिए कुछ भी दोस्तों, ये पहाड़ों का सफ़र और कुछ दूर तक का, फिर उसके बाद हम रुकेंगे और हम मस्ती स्नो में आराम से खेल रहे होंगे और हम स्लाइड्स कर रहे होंगे, तो हम आगे देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या मिलता है खेलने को स्नो में। धीरे धीरे ठंड और बढ़ती जा रही है और हमें लगता है कि हमें गाड़ी रोककर पीछे से कुछ और विंटर वेयर्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें तो बिल्कुल हमारा गुजारा हो नहीं पा रहा। बहुत ही ठंड है, बिल्कुल ही लग रहा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, पता नहीं यहाँ का टेम्परेचर कितना है बट हमें लग रहा है हम बिल्कुल फ्रीज करने वाले हैं। वाह, ये फिर से हमें पैचेस में बर्फ दिख रही है। ये आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेच है जो कि बर्फ का है। वाह यार, इधर राइट पे भी आप देखो तो माउंटेन में आपको दिख रहा है कि स्नो है, हर तरफ स्नो का माहौल और ठंडक बढ़ती हुई, क्या नज़ारा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये हम फाइनली पहुँच गए रोहतांग पास में और हमने यहाँ पर रुक करके अब नीचे जाएंगे, हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है। Guys, we are at Rohtangla Pass and it's really chill here, and as you can see there's a snow, lot of snow over there, and now we'll go and play in the snow. Come with me. रास्तों के थ्रू हम जा रहे हैं स्नो में। और ये देखिए एक आंटी और एक भैया ने मिलके एक स्टॉल लगा रखा है, यहाँ पे थोड़ी बोड़ी खाने की चीज़ें मिल रही हैं, बिस्किट, मैगी, एग्स। नीचे की तरफ जहाँ कि हम प्रॉपरली स्नो में जाकर खेल सकते हैं। यहाँ पर सारी बाकी सारे लोग भी यहाँ पर गाड़ियाँ रोक कर खड़े हुए हैं और हमने बाकी अपने अच्छी तरह से हम गियर्ड अप हो चुके हैं, हमने अपने बूट्स वूट्स भी पहन लिए हैं सो दैट कि हमें ठंड ना लगे। और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ जो कॉर्नर में जहाँ सारे लोगों से थोड़ा अलग, जहाँ हमें प्रॉपर स्नो मिले और ज़्यादा भीड़ ना मिले, वैसी जगह पर जाने का। लेट्स गो स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द स्नो। ये जो रास्ता हम देख रहे हैं ये काफ़ी मिट्टी वाला रास्ता है जिसपे कि पैरों फिसलने की बहुत चांसेस है, तो हम धीरे धीरे जगह देख करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सो दैट कि हम बहुत सेफली यहाँ से उतर के हम जा सकें। यहाँ पे हर कोई बहुत ही एक्साइटेड है, हमारे आसपास का पूरा माहौल बहुत ही एक्साइटेड सा है। और बीच में ये एक स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम आ गई है और आप देख सकते हो जैसे कि मैं इस स्ट्रीम को क्रॉस करके इधर आ रही हूँ स्नो में खेलने के लिए। और आप लोग जैसे देख रहे हो मेरे आसपास हर कोई प्रॉपरली जो रेंटेड सूट होता है स्नो सूट वो पहनकर आया हुआ है, बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम अपने कपड़े खुद ही लेकर चले हैं दिल्ली से, तो हमने अपने ही कपड़े पहने हैं। बट ये भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमने प्रॉपर विंटर वेयर रखे थे चिलिंग विंटर के लिए जो विंटर वेयर होने चाहिए, जैकेट वगैरह, तो ये हम इसको इंजॉय कर पा रहे हैं, यहाँ के वेदर में मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये हमारे सामने स्नो कैप्ड माउंटेन है, ऐसा ऐसी गर्मी के मौसम से दिल्ली से निकलकर आप जब ऐसे स्नो कैप्ड माउंटेन के बीच में घूम रहे हो तो इसको ही जन्नत कहते हैं। ये मेरे पास एक
बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि उसे माउंटेन बाइक से राइड करना है, वैसे तो आइडिया बहुत ही अच्छा है, तो हम भी ट्राई करेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। बट ये क्या, ये हमें यॉर्क दिख रहा है? यॉर्क सिर्फ माउंटेन्स में ही देखने को मिलते हैं, ये माउंटेन में यॉर्क राइड तो हमें पक्का ही करना है। ये तो बहुत ही औसम एक्सपीरियंस है, यॉर्क पे राइड का मज़ा ही अलग है। वैसे तो मैंने बहुत सारे हॉर्स राइड्स वगैरह भी कर रखी है, पर यॉर्क पे राइड का ये पहला मौका है, इसको तो जाने देंगे नहीं। इसमें दो यॉर्क है एक साथ, ये हमेशा साथ चलते हैं, दोनों आपस में बंधे हुए हैं। इस पे एक पे मैं और एक पे परवेज राइड करेंगे, आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इस यॉर्क राइड की, और इस वीडियो को हम आपसे एपिसोड 4 में शेयर करेंगे, तो प्लीज़ डू वॉच आर एपिसोड 4 फॉर द डिटेल्ड यॉर्क राइड। और इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे माउंटेन्स के स्नो के ऊपर, ताकि हम रियल जो स्नो में इंजॉयमेंट है हमारा, वो हम जिसको करने आए हैं वो कर पाएँ। और ये वाव यार, ये स्नो हर तरफ स्नो, इस पे ऊपर चढ़ के आना जितना ही डिफ़िकल्ट था उतना ही मस्ती है इस स्नो में खेलने में। और हम इस पे स्नो मार कर खेल रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं, और ये इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और अब टाइम है कुछ अच्छी सी फ़ोटोग्राफ्स भी खींचने का, तो हमने अपने Z7 कैमरा को यहाँ माउंटेन्स के बीच में खड़ा कर दिया है इस डिफ़िकल्ट वेदर जोन में। बेचारा वो हमारा Z7 कैमरा हमारी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है, जो कि जो हमारी ट्रिप को बहुत ही मेमोरेबल बनाएगी, और ये हमारे लिए हमेशा के लिए मेमोरीज बनकर रह जाएगी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ऊपर तो हम आ गए किसी भी तरह संभल संभल कर चढ़कर, बट अब नीचे जाने के लिए तो स्लाइड ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए, पहले परवेज को ये अपने बेहद बम्स पे ये स्लाइड कर रहे हैं और स्लाइड करके नीचे जा रहे हैं, और आपके लिए हम ये वीडियो भी टोटल कवर कर रहे हैं कि आप भी इसको बाद में देख पाएँ और हम भी इसको हमेशा के लिए मेमोरेबल बना पाएँ। वाओ यार, ये तो अलग ही मस्ती है, इस ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्नो पर स्लाइड करने का मज़ा क्या आ रहा है ये, तो पीछे कुछ लोग आप देखो हमारे साइड में तो टायर पर बांध करके भी स्लाइड करते हैं, बट इतनी सेफ्टी और टायर के साथ बांध करके स्लाइड करने में, वो बात कहाँ जो खुद से स्लाइड करने में है। और अब मैं भी स्लाइड कर रही हूँ, ये स्लाइड करने का तो मज़ा ही कुछ और है। वाह, मैं नीचे आ गई और अब मैं परवेज से हाथ मांग रही हूँ सो दैट कि मैं आगे की तरफ आ पाऊँ। और परवेज कभी भी मन नहीं भरा, उसे और स्लाइडिंग करनी है, उसे और फास्ट स्पीड स्लाइडिंग करनी है, और इस स्लाइडिंग का मज़ा ही कुछ और है। ये एक तरफ तो आप बगल में देखो, ये टायर बांध कर लोग कैसे ऊपर से टायर के साथ पुली इफेक्ट से स्लाइडिंग कर रहे हैं, बट जो मज़ा है खुद में ये स्लाइड करने का, उसका कोई जवाब नहीं। तो अभी थोड़ी और स्लाइड गेम्स खेल लें हम लोग, और उसके बाद फिर हम कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लें, फिर देखते हैं फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये याक के साथ भी फ़ोटो तो हमारी बनती ही थी दोस्तों, और फिर अब ये परवेज की माउंटेन वाली फ़ोटोज़, और हम वापस चलते हैं कसौल की तरफ, जो हमारे रोहतांग पास की ये ब्यूटीफुल मेमोरी को हम खत्म करते को हम कलेक्ट करते हुए अब हम चलते हैं इसी पहाड़ियों से नीचे की तरफ। और जो नीचे का जो जर्नी होती है, ड्राइविंग होती है, वो और भी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि स्टीप कर्व होता है, ब्रेक पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इतने आप देख लो कैसे स्टीप से बेंड्स हैं, ये वापस लौटने का रास्ता और भी डिफ़िकल्ट होता है। इसको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करके हमें निकलना है, और हमें जल्दी भी है कि हमें जल्दी से जल्दी कसौल पहुँचे कि हमारी शाम की पार्टी वहाँ बाकी है। वाओ दोस्तों, ये रास्ता इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। ऊपर आप देखो बादल, इतने घने बादल, ये क्लाउड्स बिल्कुल वाइट क्लाउड्स, लेफ्ट पे माउंटेन, राइट पे आप देखो तो ये माउंटेन विद स्नो कैप्ड। ये रास्ता इतना ब्यूटीफुल है, इट्स जस्ट लाइक हेवन। कसौल के लिए अभी सफ़र बहुत ही लंबा है, हमें रोहतांग पास में हम जितना ऊपर आए थे हमें अभी उतना ही नीचे आना है। हम मनाली पहुंचेंगे, फिर मनाली से कसौल, जो कि अगेन 2-3 आवर्स की जर्नी है, तो ये हमारे लिए अभी अच्छा खासा सफ़र है 5 घंटों का। तो हमें अभी कुछ खाकर निकलना था, हमने ये स्नो कैप माउंटेन पर मस्ती करने के बाद और स्लाइडिंग व्लाइडिंग करने के बाद हमने कुछ खाया, और खाकर हम बिल्कुल रेडी हुए सो दैट कि हम आगे की जर्नी के लिए गियर्ड अप रहें और हमें इस ब्यूटीफुल रास्ते में एंजॉय करें, कुछ खाकर एंजॉय करें। और अभी हम इस पूरे, आप देखो जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमें बादलों का मस्त सा एक व्यू है जो देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर बादल, लेफ़्ट और राइट में माउंटेंस, और हम बस इस हसीन से
जर्नी को हम लिव कर रहे हैं। वाओ, इट इज़ अ सिंपली ब्यूटिफुल। पहाड़ों के बीच ड्राइविंग का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। बस थोड़ी सी सेफ्टी देख का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड के बहुत चांसेस रहते हैं और शार्प कर्व्स रहते हैं। बस गिरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, जैसे हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, जैसे हम बिल्कुल हमारी गाड़ी ये एज पे है गिरने के लिए, बस एक गलती और एक छोटी सी गलती, एक भूल और हम नीचे होंगे। बट थैंकफुली गाइस, हम बच गए और अब हम इस खूबसूरत से नज़ारों को इंजॉय कर सकते हैं। जब वे मेट, जो मूवी आई थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की, उसका जो गाना है ये इश्क हाय, वो भी यहीं पे शूट हुआ है। तो अब हम जैसे जैसे इस ब्यूटीफुल से नज़ारों के बीच घूम रहे हैं, मुझे तो वही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, ये इश्क हाय। और अब हम धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं रानी नाला के, जो हमने जाते टाइम देखा था, ऊपर चढ़ते टाइम हमने देखा था नाला, वो स्ट्रेच जहाँ दोनों तरफ स्नो होता है, उसके बीच से हमारी गाड़ी पास होती है, ऑसम व्यू होता है। और मैं जस्ट कांट वेट, अब हमारे पास वापस से हम उसी जोन में एंटर कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है दोनों तरफ स्नो, और इस स्नो वाले लेन में गाड़ी चलाने का जो मज़ा है, ओ इट्स जस्ट ऑसम, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है, वाह, दोनों तरफ स्नो और बीच में हम, वाह, इस ड्राइव का जो मज़ा है, ओ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और ये क्या इतना खतरनाक दिख रहा है, ये खतरनाक से माउंटेन फिर से शुरू हो गए, ये लैंडस्लाइड बहुत ही प्रोन एरिया है, ये देख लो आप, इतना पतला सा स्ट्रेच है जहाँ हमें गाड़ी से आगे जाना है, और ये बड़ा सा ह्यूज सा माउंटेन का चंक हमारे राइट साइड पे, इतना डरावना है, अगर एक ही पत्थर गिरा तो हमारे क्या हाल होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बस हम यहाँ से बच कर निकल जाएँ तो ही हम आज की शाम कसौल में इंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना है, बट उतना ही ब्यूटीफुल है। ये अब वापस से वो क्लाउड्स, ओ वाह, अब हम स्पीड में, हम रियली स्पीड में हम इस जर्नी को कवर करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी कसौल पहुंच पाए, क्योंकि हमारे को शाम में वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, वहाँ हमारे को बहुत ही अच्छा खाना चिल का करने का माहौल होता है, और रियली जो इंजॉय करने की रियल इंजॉयमेंट है वो कसौल में है। वेन एवर यू प्लान फॉर हिमाचल, कसौल तो ज़रूर प्लान करना, जैसे हमने भी कसौल को पक्का से ही चूज़ किया था। और अब हम फास्ट यहाँ से निकलते हुए, हम रोहतांग से निकलते हुए मनाली की तरफ पहले उतरेंगे, उसके बाद हम मनाली में कुछ वापस से लंच कर लेंगे, लंच करके हम फिर प्रॉपरली निकलेंगे कसौल के लिए, जो कि अच्छा खासा 3 घंटे हमें लगेंगे मनाली से कसौल ट्रैवल करने में, और हम आज की शाम वहाँ पर जल्दी पहुँचे, सुधर हम वहाँ की चीज़ों को इंजॉय कर पाए। बाय बाय रोहतांग, वी विल मिस यू, वी विल अगेन ट्राई टू कम बैक टू मीट, टू कम टू विजिट यू, एंड ये जर्नी हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये बहुत ऑसम है, यहाँ का जो व्यू है, बस वो ज़रूर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसको ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए। और ये रोहतांग में ड्राइव कर लिया तो इट्स लाइक यू हैव अ सर्टिफिकेशन कि यू आर द बेस्ट ड्राइवर ऑन अर्थ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से पहाड़, वापस से हम नीचे की तरफ आते हुए, और अब हमें ये पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे दिखने लगे हैं वापस से, कि हमें लग रहा है हम उस ऊंचाई तक हम पहुंच करके हम वापस से नीचे आ रहे हैं, और हम नीचे होते हुए हम इंजॉय करते हुए आगे की तरफ जर्नी के लिए बढ़ते जा रहे हैं। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कसौल। कसौल इज़ अ स्मॉल टाउन इन हिमाचल प्रदेश, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, पहले तो अनएक्सप्लोर्ड था, बट अब दिल्ली से काफ़ी लोग और भी जगह से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ा तो हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा अभी भी नेचुरल वे में ये रिस्टोर्ड है। इसके आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स भी हैं, और अभी हम जब उतरते वक्त हमने कुछ फोटोग्राफ भी कुछ स्पॉट्स पे क्लिक कर ली है, सो दैट हम इसको अपने नीचे आने वाली वीडियो फ़ोटोज़ को भी हम रख सकें हमेशा के लिए। और ये अभी हम और आते जा रहे हैं नीचे की तरफ, और अब हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हमें वापस से ऊपर की तरफ दिखते हुए पहाड़ बहुत ही ऊँचे दिख रहे हैं, और उस पर पतली पतली सी स्ट्रिप्स दिख रही हैं स्नो की, जिसको हम एक्चुअली टच करके इंजॉय करके खेल कर आए हैं। और अभी हमें थोड़ी सी और हमारी जर्नी बची है, जो हमें कंप्लीट करके वापस से अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचना है, जो कि है कसौल। अभी हम कसौल के अंदर इंटर कर रहे हैं, और कसौल के अंदर इंटर करने में ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि यहाँ इतना गंदा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, जिसे हम देख रहे हैं दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, पतला सा लेन है, बहुत मुश्किल होती है ड्राइव करने में, एक साइड एक बार में एक ही साइड से लेन से गाड़ी जा पाती है, एक साइड से
गाड़ी को रोकना पड़ता है, इतनी छोटी छोटी लेंस भी है और यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है। बहुत डरावना है, बट इसके लिए कसौल जो हम देख सकते हैं दोनों साइड पे हमारे की लंबे लंबे ट्रीज़ है। हमने जब रोहतांग में थे तो हमें इतने लंबे ट्रीज़ देखने को नहीं मिलते थे, एक साइड माउंटेन और थोड़े छोटे ट्रीज़ थे, बट यहाँ पे प्रॉपर माउंटेन ट्रीज़ हैं जो कि बहुत लंबे हैं। और इसके बीच से हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए, इतना वेदर इज़ ऑसम, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, चिलिंग ठंड नहीं है रोहतांग की तरह, बट जो वेदर है वो ऑसम है। और हम फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन कसौल पहुंच चुके हैं, जहां अपनी हम इवनिंग को इंजॉय कर रहे हैं। हम एक अच्छे से कैफ़े में बैठकर बहुत इंजॉयमेंट हमने किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ज़रूर देखिएगा, इट विल बी अबाउट अ याक राइड जो मैंने आपको बताया था। ओके दोस्तों, बाय। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट हमेशा आपको अलर्ट्स मिलते रहे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ का। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।